जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बांसगांव तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने जन समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करते हुए उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से समस्त पात्र लाभार्थियों को आच्छादित किए जाएं तथा अपात्रों का नाम सूची से पृथक करते हुए पात्रों का चयन किया जाए। कोई भी पात्र लाभार्थी शासकीय योजना से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर कुल 103 मामले आए, जिसमें 8 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष मामलों को एक सप्ताह के अंदर निस्तारित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने तहसील परिसर में वृक्षारोपण किया तथा लोगों से आह्वान किया कि वे बेहतर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अधिकाधिक वृक्षारोपण करें। डीएम ने ब्लॉक स्तर से स्वच्छ रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा लोगों से कहा कि स्वच्छता के प्रति जागरूक हों, अपने घर में स्वच्छ शौचालय बनवाएं। इस अवसर पर CDO अनु सिंह, SDM बांसगांव, CEO सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लेखपाल कौन है? अब इसको निकल के बताओ, मुझे लग रहा है इसको।